उर्दू इस्लामी सवाल। सवाल, सिदरतुल मुंतहा की जड़ से निकलता हुआ पानी दुनिया में किस जगह गिरता है? जवाब, एक हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने मेराज पर छठे आसमान पर मौजूद सिदरतुल मुंतहा की जड़ से पानी निकलता देखा जो कि दरियाए नील और दरियाए फरात में गिरता है। सवाल, किस चीज का कतरा नाक में डालने से पेट कभी बाहर नहीं आएगा? जवाब, लहसुन का रस, सरसों का तेल। तिब्बी हिकमत के मुताबिक रात के वक्त नाक में लहसुन के रस का एक कतरा और सरसों के तेल का एक कतरा डालकर सोया करो, कभी भी पेट बाहर नहीं आएगा। सवाल, घर में मुश्किल आ जाए तो रोटी पर क्या लगाकर खाना चाहिए? जवाब, नमक लगाकर। घर में अगर कोई मुश्किल आ जाए तो एक रोटी का निवाला नमक के साथ खाने से मुश्किल दूर हो जाती है। सवाल, किस इंसान के पास 80,000 खादिम होंगे? जंती इंसान के पास। सवाल, खाना खाते हुए दांतों के नीचे जुबान का आना किस चीज की इलामत है? जवाब, अक्सर लोगों का यह मानना है कि खाना खाते हुए दांतों के नीचे जुबान का आ जाना इस बात की इलामत है कि कोई हमारी बुराई कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी हकीकत में साबित नहीं है। ये सब मनगढ़ंत और बेबुनियाद अकायद हैं। सवाल, दुआ को किस चीज का मगज कहा जाता है? जवाब, इबादत का। सवाल, वो कौन सा काफिर है जो पहले कर्जदार था और फिर एक बादशाह बन गया? फिरौन। सवाल, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह किसने पढ़ाया था? जवाब, हजरत अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा। सवाल, किस नबी की दुआ पर अल्लाह ताला ने बगैर बादलों के बारिश फरमाई थी? जवाब, हजरत लूत अलैहिस्सलाम। सवाल, किस मुसलमान के गुनाह माफ नहीं होते? जवाब, जो गुनाह करके लोगों को फकर से बताए। सवाल, दज्जाल के जमाने में एक दिन कितना बड़ा होगा? एक साल का। सवाल, किस जगह थूकने से इंसान की याददाश्त कमजोर हो जाती है? जवाब, बाथरूम में। सवाल, कुरान मजीद का पहला नाजिल होने वाला लफ्ज कौन सा है? जवाब, इकरा। सवाल, कौन सा अमल करने वाले इंसान को जन्नत की खुशबू तक नहीं आएगी? जवाब, वालदैन की नाफरमानी करने वाले। सवाल, वो कौन सा शिर्क है जो अक्सर लोगों में आम तौर पर पाया जाता है? जवाब, गैरुल्लाह की कसम खाना। सवाल, खाना काबा पर गलाफ चढ़ाने के लिए कितना कपड़ा दरकार होता है? जवाब, 1,000 गज। सवाल, शैतान जिन्नात में से था या फरिश्तों में से? जवाब, जिन्नात में से। सवाल, क्यामत की निशानियों में किस जगह से आग निकलेगी? जवाब, यमन से आग निकलेगी जो लोगों को इनके महशर की तरफ घेर कर पहुंचा देगी। सवाल, मस्जिद नबी की तामीर कितने दिनों में मुकम्मल हुई? जवाब, 7 माह में। सवाल, सबसे आखिर में किसको मौत आएगी? जवाब, सबसे आखिर में मलकल मौत को मौत आएगी। सवाल, शद्दाद ने जो मनसुनुई जन्नत बनवाई थी इसका क्या नाम था? जवाब, बागे इरम। सवाल, अबू जहल का पूरा नाम क्या था? जवाब,
अमर बिन एहसाम, सवाल, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कितने बार नमाज की तायद फरमाई है? जवाब 700 मरतबा। सवाल, कुरान मजीद में सबसे ज्यादा लिखे जाने वाला हरूफ कौन सा है? जवाब अलिफ। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना खाते तो अपनी उंगलियों को कितनी बार चाटते? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगलियों को 3 बार चाटते थे। सवाल, शहदाद ने 20 या 22 साल में मसनूई जन्नत मुकम्मल कराई, किस मुल्क का बादशाह था? यमन का। सवाल, कुरान मजीद की किस सूरत में जेर सिर्फ 1 मर्तबा आई है? जवाब, सूरत इखलास कुरान पाक की वो वाहिद सूरत है जिसमें जेर सिर्फ 1 मर्तबा आई है। सवाल, अल्लाह ताला किस गुनाहगार को पसंद करता है? जवाब, तोबा करने वाले को। सवाल, एक हराम का लुकमा खाने से कितने दिन की नमाज और दुआ कबूल नहीं होती? जवाब, 40 दिन की। सवाल, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे की कुर्बानी का वाक्य कहाँ पेश आया? जवाब, मक्का के नजदीक मीना में। सवाल, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कितनी मर्तबा काफिरों पर अजाब के लिए दुआ की? जवाब, 3 मर्तबा। सवाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जत अलविदा का खुतबा कहाँ दिया था? जवाब, मैदान अरफात में। सवाल, सबसे पहले माले गनीमत अल्लाह ताला की राह में किसने खर्च किया? जवाब, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। सवाल, किस फरिश्ते की ताली बजाने से आसमान से बिजली गिरती है? जवाब, हजरत जबरील अलैहिस्सलाम। सवाल, कौन सा कलमा पढ़ने से इंसान दाखिले इस्लाम होता है? जवाब, पहला कलमा पढ़ने से। सवाल, नमरूद पर अल्लाह ताला की तरफ से अजाब की क्या सूरत आई? जवाब, मच्छरों की 60 लाख फौज का हमला हुआ। नाजरीन, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, जजाकल्ला।